साहित्य एवं कला की हर खबर सिरे आपके पास डायनामिक संवाद टीवी के साथ। ये भूमि है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की। यह भूमि है जहां अवतार मेहर बाबा के चरण पड़े। ये भूमि है आचार्य रजनीश महर्षि महेश योगी की कृपा बरसी। ये भूमि है जहां आज भी वाणी गुंजित है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कवि डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल, कथाकार ज्ञान रंजन, साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार सुमित्र, महाकवि आचार्य भगवत दुबे। आइए ऐसे ही शहर से हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक संवाद टीवी, जो साहित्य का नया चैनल है। आखिरी में केवल इतना की कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हम सब को तारे तेरी।
गरबा कर रहे हैं। हमारे क्लब का गरबा होता है और 20 साल पुराना हमारा क्लब है। हम सब अब सब बच्चों से फ्री हो गए हैं, सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब अपना समय इसी में पास करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, मतलब हर प्रोग्राम हम लोग बढ़िया सेलिब्रेशन करते हैं। धन्यवाद। ज्योति राय। मैं आराध्या तिवारी प्रियम। यहाँ पे गरबा हुआ था, गरबे आरती और डांडिया बहुत सारे हो गए, हम लोगों ने बहुत दिन प्रैक्टिस की है, वैसे सब लोग यहाँ पे इतने सारे सब कुछ यहाँ पे बहुत सारे मेगा पे सब लोग अच्छे से तैयार होके आए हैं। यहाँ की अच्छी जगह मेरे प्रोग्राम किया गया है हुआ है। आज हम सब यहाँ गरबा करना है। 9 दिन में यहाँ बहुत मज़ा आता है, 4 दिन प्रैक्टिस होती है और अब हम सब आरती करने से आरती हो चुकी है, अब लेडीज गरबा करने वाली हैं। नितांशी अवस्थी। आज यहाँ पे गरबा और डांडिया हो रहा है और यहाँ 4 दिन प्रैक्टिस हुई है अप्सरा डांस एकेडमी गरबा। आचल शुक्ला। Thank you.
पुरानी किटी है, अभी 4-5 से हम लोग सब अपने बच्चों से फ्री हो गए, सबके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं। हम लोग बढ़िया सब मिलके हर साल ये डांडिया का आयोजन करते हैं, डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं और अलग से भी कुछ डांस कर, जैसे इस बार हम लोगों ने गगरी का डांस रखा हुआ है और बस खाते पीते इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बस मस्ती करते हैं। मुक्ति उपाध्याय। मैं प्रतिभा वर्मा बोल रही हूँ, हमारे डायमंड क्लब है, डायमंड क्लब से हम लोग अभी 2-3 साल से गरबा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अभी इस बार हम लोग गगरी डांस कर रहे हैं। पहले माँ की आराधना करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गगरी डांस करेंगे, फिर गरबा करेंगे और फिर वो डांडिया करेंगे। हम लोग तो 20 साल से मानी ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, 20 साल से हम लोग का क्लब चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग 5-6 साल से हम लोग ये डांडिया वगैरह कर रहे हैं। इसका श्रेय हम लोग सारा कविता खंडारे को देते हैं, हम लोग उसके मेंबर हैं। हम लोग 20 साल से इस क्लब में हैं और हम लोग घर से टाइम निकाल के अपने घर का जल्दी जल्दी सब काम करके और फिर हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, 4-6 दिन खूब जम के प्रैक्टिस करते हैं
और फिर एंजॉय करते हैं। हाँ, शोभा सिंह नाम है। कर रहे हैं कैमरा लाके सेट कर लो भैया। Thank you.
Hey!
करते हैं और सबको लेके मतलब सभी कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा हम लोग सब मिलके करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कविता खंडारे जो है ये बहुत अच्छी शख्सियत हैं, ये हम सबका बहुत मनोबल बढ़ाती हैं, सबके लिए मतलब एक जैसे घर होता है, सब मेंबरों को लेके चलती हैं, कोई नाराज़ भी है तो उसको खुश कर देती हैं और बहुत प्रोत्साहन बढ़ाती हैं हम लोगों का, इसीलिए हम लोग हर प्रोग्राम कर पाते हैं। हर प्रोग्राम करता है हमारा क्लब, सावन मिलन, दिवाली मिलन, आंवला नवमी, हम हर त्यौहार को पूरे खुशी से मनाते हैं, जिसको जिस तरीके से मनाना चाहिए बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। हमारा क्लब हर प्रोग्राम में एक्टिव रहता है। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दैनिक सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे संपादन।